بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون اے نبی کہہ دیجئے ساڑے نصیب دے اندر وہی چیز لکھیے جڑی اللہ سبحانہ وتعالی ساڑے مددگار نے لکھ دیتی ہے اور ایمان والیاں نو چاہید آئے کہ اپنے اللہ تے توکل رکھن یقین رکھن صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے جس اللہ سبحانہ وتعالی نے مینو اور تسانو انسان بنایا ساڈی تخلیق تو بعد
अल्लाह पाक ने साढ़े ते अजीम फजल फरमाया कि सानू आखरु जमा पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सलावातुल्लाह अलैहि वसलामुहु दी उम्मत दे अंदरों पैदा फरमाया। दरूदो सलाम आका कायनात सैयदुल मुरसलीन इमाम आजम इमामुल मुजाहिदीन इमामुल मुत्तकीन इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्ना सारी कायनात दे सरदार मेरे और तुहाडे दिलां दी रौनको बहार जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी जात वास्ते रहमत और बख्शिश दुआ हजरात सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वास्ते। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों वाजिबुल एहतराम मेरी इस्लामी रूहानी माओ और बहनों, अज दे इस खुतबाए जुमातुल मुबारका दे अंदर मैं माहे सफर दे हवाले दे नाल चंद ऐसियां गुजारिशात करके तुहाडे दे ज़हना नूं साफ करना चाहना कि माहे सफर दे महीने नूं जिहड़ा कि जारी है जिहदी अज तकरीबन 9 तारीख हो चुकी है, इस महीने नूं मनहूस समझिया जाता है। इहते बड़ी बदशगुनी की जाती है कि महीने दे अंदर पहलियां 13 तरीकां दे अंदर शादी नहीं करनी चाहिए, या अगर किसी नवे जोड़े की कोई शादी हो गई है वो अपनी बीवी के करीब ना जाए, और इस महीने दे अंदर सफ़र नहीं करना चाहिए। तरह तरह दियाँ माशरे दे अंदर रसूमात खुराफात बिदआत इस महीने दे हवाले दे नाल मशहूर ने। उन्हां चीज़ां नूं लै के सब तो पहले ये समझो कि बदशगुनी या नहूसत कहिंदे किनूं, असल है की चीज़ है। बदशगुनी या नहूसत अगर किसी बंदे ने किसी अमल दे अंदर इब्तदा दे अंदर जिस बंदे ने मेरे इस जुमले नूं अपने दिलो दिमाग दे अंदर बैठा लिया, मेरे सारे जुमे का खुलासा ये चीज़ है जिहड़ा मैं जुमला बयान करना चाहना, जिहड़ी मैं बात तुहानू समझाना चाहना। जिस बंदे ने किसी अमल किसी चीज़ किसी दिन किसी महीने या किसी साल नूं नहूसत वाला समझ लिया, उन्हें अपने अकीदे का बेड़ा गर्क कर लिया, अकीदा खराब कर लिया। क्यों? क्योंकि नफ़ा और नुकसान दी मालक अगर कोई ज़ात है तो अल्लाह दी ज़ात है। यानी कि अगर किसी बंदे ने किसी महीने नूं किसी दिन नूं किसी अमल नूं किसी चीज़ नूं समझ लिया तो बदशगुनी लई कि ये नहूसत वाला है, गोया उन्हें चीज़ नूं तस्लीम कर लिया कि अल्लाह तो इलावा भी कोई ज़ात कोई चीज़ कोई अमल कोई दिन कोई महीना है जो नफ़ा और नुकसान का मालिक है। मेरा ख्याल मैं अपना जुमला मुकम्मल कर चुके हैं। अगर किसी बंदे ने चीज़ समझ ली कि नफ़ा नुकसान का मालिक एक दिन या ये मुहर्रम का महीना ये अंदर नुकसान होता है या कोई चीज़ नफ़ा दिंदी है, गोया उन्हें अपने अकीदे का ही बेड़ा गर्क कर लिया। छोटिया छोटिया गल्लां देखो ना, ये चीज़ा हुण तो नहीं चली आ रही, मेरी बात समझो। ये शैतान इन्हां दा सब तो ज़्यादा जिहड़ा सरगुना है पिछे जिहड़े हमले करता है अटैक करता है उम्मते मुहम्मदिया दा अकीदे दा बेड़ा गर्क करता है। शैतान हुण तो नहीं, जदों तो अल्लाह ने आदम नूं पैदा कीता है उदों तो शैतान जमीन ते आदम दा दुश्मन बन के आ चुकिया है। ये जमाना है जहलीयत, जमाना है जहलीयत दा लफ्ज़ बोलिया जाता है, मतलब रसूले कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आमद व बेसत तो पहला जिहड़ा जमाना है जमाना जहलीयत के लैंदा, और जमाना जहलीयत के अंदर भी समझिया जाता है और साढ़े दौर के अंदर भी ये बात समझी जाती है नहूसत की चीज़ है। एक बंदा सफ़र वास्ते निकलिया है, तजारत वास्ते निकलिया है, कोई मामला करन वास्ते निकलिया, लेकिन रास्ते के अंदरों काली बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिता, अगे काली बिल्ली आ गई। मुसलमान का कीदा की है, हुण काली बिल्ली अगों गुजर गई है तो लिहाजा जिहड़ा मेरा सफ़र है मेरे वास्ते सूदमंद नहीं फायदामंद नहीं, इन्हों नहूसत कहा जाता है। दूसरी चीज़ यह समझो, दुकान खोली है अल्लाह सुबहाना तआला दे कुरान दे नाल नमाज़े फजर पढ़ के मुसलमान है, अकीदे का भी मुसलमान है, लेकिन सुबह सुबह कोई बंदा आ गया
कि यार बच्चों ने कोई स्कूल जाना, सीधियां गल्लां बच्चों ने स्कूल जाना हजरत जी, या यूनिफॉर्म बच्चे का नहीं है कोई चीज़ दे दियो, या करियाने की दुकान पर रसा का एक छोटा जिहा पैकेट दे दियो, फलानी फलानी चीज़ दे दियो। ओ यार सुबह सुबह धार मत्थे लग गया धारिया, हुण सारा दिन बरकत नहीं रहनी। ये नहूसत है, इनू नहूसत कहा जाता है, इनू बदशगुनी कहा जाता है। या यार जदों की शादी करके फलान नूं साढ़े घर अंदर आई है ना, साढ़े घर के अंदर तो सुकून ही नहीं आया, बरकत ही नहीं आई। मेरे भाई यही नहूसत है, और कोई नहूसत नूं सिंग लगे होंगे ने, या मनहूस बंदे नूं किसी चीज़ के अंदर, किसी अमल के अंदर, किसी इंसान के अंदर नहूसत नहीं। और मैं खुतबा जुमातुल मुबारका के अंदर कुरान की आयतां पढ़ पढ़ के ये चीज़ जिक्र करांगा कि नहूसत असल के अंदर किस चीज़ के अंदर, असल मनहूस कौन है। इंशाल्लाह ये भी कुरान पढ़ के, लेकिन बुनियादी चीज़ा समझो कि मनहूस किनू समझा जाता है। और तीसरी चीज़ जिन्हों मनहूस समझा जाता है कि जनाब घर के अंदर कोई बीवी आ गई है, पहली बीवी फौत हो गई, दूसरी बीवी जदों की आई है ना, कोई पूरियां पईया ही नहीं, कारी साहब कोई वजीफा दस दियो, कोई ओदी सलाह हो जाए, ओदी सलाह की जरूरत नहीं, असल तेरे अकीदे की सलाह की जरूरत है। तो मेरे भाई सौ गज रस्सा सिरे ते गंढ किसी चीज़ के अंदर, किसी इंसान के अंदर, किसी अमल के अंदर, किसी दिन के अंदर, किसी महीने के अंदर, किसी साल के अंदर अल्लाह पाक ने कोई नहूसत रखी नहीं। आइए जरा जमाना जहलीयत के अंदर ये मुहर्रम के महीने सफ़र के महीने लोग मनहूस करार देते दे, जिदा कि साढ़े अजकल के दौर के अंदर बाज अहबाब चने वंटते हैं, छोले वंटते हैं, उबाल के साढ़े तो इस वजह के नाल मनहूसत खत्म हो जाएगी। इस महीने के अंदर सब तो ज़्यादा बीमारियां उतर दिया ने, तरह तरह दी बातें मुआशरे के अंदर आम हो चुकिया ने। तो बहर क्या जमाना जहलीयत के अंदर वो लोग समझदार सन कि सफ़र का महीना मनहूस है, तो अल्लाह के महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्कि सूरत तौबा के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नमन नसीयु ज़ियादतन फिल कुफरी, फरमाया ज़ियादतन फिल कुफर, फरमाया जेड़ा सफ़र के महीने में बदलते ने अगे पिछे करते हैं, वो इस तरह करते सन, कभी जेड़ा मुहर्रम का महीना है उन्होंने कह देना मन लेना कि आ सफ़र का महीना है, तो कभी सफ़र के महीने अगे लै जाना, कभी सफ़र के महीने पिछे लै जाना, ये बेचारे के गेड़े कढ़ाई जानी कि सफ़र का महीना मनहूस है, यह नहूसत वाला है। असल के अंदर अल्लाह के महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वाला तियारा वाला सफ़रा, फरमाया ना कोई बदशगुनी है और ना ही फरमाया वाला सफ़रा, सफ़र का महीना नहूसत वाला है, ये महीना मनहूस है। तो बहर कैफ आइए जरा अल्लाह सुबहानहु तआला का कुरान भी समात फरमाना। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर की फरमाया, मैं कुरान पढ़ना तो कुरान दी आयतों का सादा तर्जमा करना, तो जवाब तुसी माशाल्लाह साहबे अकल साहबे बसीरत बैठे जे कुरान दी आयतों का तर्जमा समझ समझ के नतीजा तुसी खुद अखज़ करना है कि असल दे अंदर असलन बुनियादी तौर पर अल्लाह पाक ने नहूसत रखी कि चीज़ के अंदर है। आइए जरा अल्लाह पाक का कुरान समात फरमाना। अल्लाह फरमांदे ने आ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दियो। अल्लाह पाक दे कुरान दी पहली आयत अल्लाह फरमांदे ने ज़ाहर अल फसादु फिल बर्री वल बहरी बिमा कसबत अईदिन नास, फरमाया जमीन ते अगर कोई फसाद है, ज़ाहर अल फसादु फिल बर्री वल बहर, फरमाया अगर जमीन दे उत्ते कोई फसाद हुंदा है, अगर जमीन अपने ऊपर कोई फसाद जाहर कर दिए, फरमाया बिमा कसबत अईदिन नास, लोगों दे अपने हाथों की कमाई है, लोगों दे अपने हाथों की कमाई है। आइए जरा अल्लाह पाक दा कुरान समात फरमाना। अल्लाह फरमांदे रहा मेरे महबूब पैगंबर ऐलान फरमा दियो कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, कह दीजिए जो कोई सानू खुशी पहुँचती है, जो कोई सानू परेशानी पहुँचती है, जो कोई सानू मुसीबत पहुँचती है, फरमाया मा कतब अल्लाहु लना, और साढ़े अल्लाह ने साढ़े वास्ते लिखी है, हुआ मौलाना अल्लाह साडा मददगार है, व अल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून,
और फरमाया ईमान वाले नूं डोलना नहीं चाहिए अपने अकीदे का बेड़ा गर्क नहीं करना चाहिए फलां वजह दे नाल फलां अमल दे नाल फलां चीज़ दे नाल फलां महीने दे नाल फरमाया कतब अल्लाह मुलाना अगर कोई परेशानी आई है वह भी अल्लाह ने लिखी है अगर कोई मुसीबत आई है वह भी अल्लाह ने लिखी है अगर कोई खुशी आई है वह भी अल्लाह ने लिखी है आइए जरा अल्लाह पाक दे कुरान दा तीसरा मुकाम जरा समात फरमाना अल्लाह फरमांदे ने या मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दियो मन अमिला सालिहन फरमाया अगर कोई नेक अमल करेगा अगर कोई नेक अमल करेगा फली नफसी ही ओदा फायदा ओदे अपने नफ्स नू होएगा अगे अल्लाह फरमांदे ने वा मन आसाफा अलैहा अगर कोई बुरियां करतूतां करेगा बंद कमरे दे अंदर बदियां बदकारियां करेगा अगर कोई जिना करेगा शराब नोशी करेगा अगर कोई जमीन ते फसाद करेगा गुनाह करेगा जुल्म करेगा ज्याती करेगा अल्लाह दा कुरान फरमा रहा है वह मन आसाफा अलैहा अगर कोई बदी बदकारी करेगा बद अमाल करेगा अगर कोई गुनाह करेगा फा अलैहा ए ना समझे मैं गुनाह करके क्यामत दा दिन होएगा मैशर ते देखी जाएगी जो होएगी दुनिया ते जो मुसीबत आ रही ने नौजवान गौर करो अल्लाह की कसम है बेनमाजियां दा अंजाम है अगर कोई अल्लाह पाक ने तेनू मुसीबत के अंदर परेशानी के अंदर टेंशन के अंदर बेसकूनी के अंदर बेतमनानियत के अंदर तेनू मुबतला कर दिता है अल्लाह का कुरान कह रहा है फरमाया अल्लाह सुबहाना उताला ने वा मन आसाफा अलैहा तेरिया अपनिया करतूतों की वजह तो तेनू परेशानी आ रही बाज आ जा अल्लाह दिया बगावतों तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर फरमाया वह मैयत अद्दा हुदूदहु युदखिलुन नारन खालिदन फीहा वलहु अज़ाबुम मुहीन फरमाया जड़ियां अल्लाह दियां हद्दां नूं पमाल करेगा जो अल्लाह दियां हद्दां तो तजावज करेगा जो जुल्म करेगा ज्याती करेगा असी दुनिया भी बर्बाद कर देंगे दुनिया के अंदर भी उन्हें सुकून वाली दौलत उसे को छीन लवेंगे सुकून की दौलत ऐसी दौलत है इमामे हसन बसरी रहमतुल्ला अलैह मैनु अल्लाह दे वली याद आ गए और फरमांदे ने अगर जेडे महल्लां दे अंदर बादशाह मौजूद ने ना तरह तरह दियां सहूलतां अल्लाह ने इन्हां नूं दित्तियां ने अगर साडा जेडे असी मस्जिदां दे हुजरे दे अंदर बहन वाले जेडे असी कखां दी कुल्ली दे अंदर जिहड़ा साडे को सुकून है अपनी दुनिया की सारी दौलत लुटा के सिर्फ साडे को जिहड़ा सुकून है उन्हूं हासिल करन दी कोशिश करन है ऐसा सुकून है अल्लाह के कुरान के नाल जुड़ जाओ हजरात नमाज के नाल जुड़ जाओ अल्लाह की कसम अगर इंसान को कोई परेशानी आ जाती है कोई मुसीबत आ जाती है किसी की वजह के नाल नहीं कोई कारीगर कोई मुलाजम इसके अंदर कसूरवार नहीं असल के अंदर अल्लाह पाक का कुरान फरमा रहा है वमन आसाफा अलैहा अगर कोई बुराई करता है बदकारी करता है दुनिया तो वो वबाल पेगा वो बोझ पेगा अगे अल्लाह पाक फरमाया वह मां रबू का व मां रब्बू का और तेरा रब नहीं है बिज़ल्ला मिल्लाबीद वो अपनी मखलूक ते किस तरह क्यों कर अल्लाह जुलम कर सकता है अल्लाह दी सिफते जालिम नहीं है अगर तेरे ते कोई जुलम हो रहा है तेरे अपने हाथों की कमाई है तो हजराते जीवकार ये कुरान दिया चार आयात तो पता है चलिया अगर बंदे ते कोई परेशानी कोई नहूसत आती है अपने नफ्स की बदशगूनी अपने करतूतों की वजह ना अपने अमाल की वजह आती है ना सफर के महीने के अंदर अल्लाह ने नहूसत रखी है ना अल्लाह ने बीवी के अंदर नहूसत रखी है ना अल्लाह पाक ने ना रिश्तियां के अंदर नहूसत रखी है ना बिल्ली गुजरन के नाल नहूसत आती है और ना मेरे भाई ये हर सफर के महीने के अंदर नहूसत है अगर नहूसत है तो बंदे अपने अमाल की वजह ना नहूसत आती अल्लाह ने बंदे नू पैदा किया अल्लाह ने फरमाया इंसाना मैं तेनों पैदा किया नमाज पढ़ बंदा नमाज पढ़े जिक्र अजगार कर बंदा जिक्र अजगार करे कुरान की तिलावत करे इसके बावजूद अगर कोई परेशानी आ जाती है तो फरमाया वजह की है सबब की है बंदे दी अपनी कमियां कोताहियां की वजह ना अल्लाह सुबहाना उताला ने कोई इस तरह की चीज़ पैदा नहीं की आइए हजरात असल के अंदर जड़ी बदशगुनी है या नहूसत है ये अल्लाह सुबहाना उताला दे नबी ने फरमाया बल्कि शिरक है अल्लाह पाक दे नबी ने फरमाया सईदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस दे रावी ने फरमाया अत्तईरातु शिरकुन सलासन फरमाया अगर कोई बंदा समझ लेंदा है ना गौर करो तवज्जो मेरी तरफ
अगर कोई बंदा समझ लेंदा ना फलां काम करन दी वजह दे नाल मैनूं हौसला पैदा होई है, फरमाया उन्हें अपने अल्लाह की जात दे नाल शिरक किया है। और नबी अलैहि सलातो सलाम ने तैरा तो सलाह सन तीन मरतबा फरमाया, तीन मरतबा फरमाया मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कहना वा। नबी पाक सल्लम ने इरशाद फरमाया केड़ी जुबान, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा। अल्लाह दे नबी अपनी मर्जी तो बगैर नहीं बोलते। अल्लाह दे नबी फरमाते ने अगर कोई बंदा समझदा है या उन्हें तस्लीम कर लिया है या किसी मजलस के अंदर या अपने जहन के अंदर एक गंदी सोच पैदा कर ली है फलां काम मैं ना करदा, की पता है जे ना हुंदा फलां काम की वजह ना, फलां अमल की वजह ना, फलां चीज़ की वजह ना, फलां रिश्ते की वजह ना मैनू मनहूसत मिली है, मेरे कारोबार के अंदर बेबरकती आई है। फकद अशरका फरमाया इदा उन्हें अपने अल्लाह की जात के नाल शिरक कर लिया है। वजह की है जिथों मैं गल शुरू की थी, अगर किसी बंदे ने किसी अमल के नाल किसी चीज़ के अंदर अगर उसने समझ लिया मेरे नफा नुकसान की मालक है फिर अल्लाह की हैसीयत। और मेरे भाई एक मोमिन एक मुआहिद एक मुस्लिम ओदा अकीदा है अगर कोई नफा पहुँचता है तो अल्लाह की तरफों, अगर कोई नुकसान पहुँचता है तो अल्लाह दुनिया दी चालां कोई काम नहीं देंदियां। मेरी बात याद रखो, जिन्हें मर्जी लोग चाला चलन थोड़े तो बाद थोड़ी गैर मौजूदगी के अंदर अगर अल्लाह ने नफ़ा नहीं लिखिया नुकसान नहीं तेरे मुकद्दर के अंदर लिखिया ना तेनों कोई नुकसान पहुँचा सकेगा ना ही नफ़ा पहुँचा सकेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदा बनाया मुसलमाना का, नमाज फजर तो बाद नमाज जहर तो बाद नमाज असर तो बाद नमाज मगरिब तो बाद और नमाज इशा तो बाद फर्ज नमाजा तो बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ दसी है और मुसलमाना का अकीदा बनाया है। बदशगुनी या नहूसत अगर कोई बंदा किसी अमल के अंदर समझने वाला वो वास्ते ये बहुत बड़ी दलील है कि बाद आ जाए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैता वला मुतिया लिमा मनाता वला यनफौ जल जद मिन कल जद। अल्लाह जेड़ी चीज़ तू देने ते आवे कोई रोक सकदा नहीं, ते अल्लाह जेड़ी चीज़ तो अगर तू रोक दवे कोई गद्दी कोई बुजुर्ग कोई करनी वाला कोई धरनी वाला, अल्लाह नफे नुकसान का मालिक नहीं। अल्लाहुम्मा ला मानिया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं देख लो यार, हाँ जी भरावान ने की सोचा खूह में सुटता तो अल्लाह ने चाके तख्त के उत्ते बिठाता मिस्र का मालिक बना दिता मिस्र का बादशाह बनाता। किसी शायर ने बड़ी प्यारी तर्जमानी की है, चलो चलद्या चलद्या खूह विचों कढ के तू तख्त ते बिठाया सी, खूह विचों कढ के ते तू तख्त ते बिठाया सी, हाथी जिन्हू सुटे आसी सकियां भरावां ने मौला तेरे नाम विच शिफावाई शिफावां ने, तेरा नाम लिया टल जांदियां बलावां ने, ते जिथे तेरे नाम दाला जिथे तेरे नाम दा वजीफा किया जाता है रहमत दा मरकज बन जांदियां ओ थावां ने, मौला तेरे नाम विच शिफावाई शिफावां ने। अगर फजर दे वक्त तू अल्लाह दा नाम लियाई, अगर सुबह दे अज़कार कीते ने शाम दे अज़कार कीते ने ते अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैता, तेरे सामने कोई MNA कोई चेयरमैन कोई MPA खड़ा है अगर तू हक बात है अल्लाह दी कसम बेतड़क हो के हक बात बयान कर दे, क्योंकि मोमिन दा अकीदा ये है मुसलमान दा अकीदा ये है। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैता वला मुतिया लिमा मनाता वला यनफौ जल जद मिन कल जद। अल्लाह जेड़ी चीज देने ते आवे कोई रोक नहीं सकदा, और अगर अल्लाह कोई चीज रोक दवे कोई दे नहीं सकदा कोई नहीं दे सकदा। हजरात अकीदा बना लो, इस मुहर्रम दा सफर दा जिहड़ा महीना है इहदे अंदर अल्लाह पाक ने नुहूसत रखी नहीं, बल्कि किसी चीज़ के अंदर किसी अमल के अंदर किसी इंसान के अंदर किसी मुलाजम के अंदर किसी सवारी के अंदर किसी गड्डी के अंदर किसी घर के अंदर अल्लाह पाक ने नुहूसत रखी नहीं, बल्कि अल्लाह पाक ने खैर बरकत नुहूसत आने की वजह बंदे दे अपने अमाल की वजह ज़ाहर अल फसाद फिल बरी वल बहरी बिमा कसबत अयदी नास। अल्लाह फरमांदे लोगों जान लो
दुनिया के उत्तर जिहड़ा फसाद हो रहा है आ जिहड़ियां कमियां कोताहियां हो रही बंदे दे अपने अमाल की वजह के नाल बंदे दे अपनियां करतूतां की वजह के नाल आइए हजरात अल्लाह दे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर के महीने नू फरमाया बकायदा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यदि वजह है कि सफर के महीने नू जमाना जहलीयत के अंदर इन नहूसत वाला शुमार करते लोग चीज़ा बनते तरह तरह दियाँ अजकल साढ़े मुआशरे के अंदर 13 ताजिया पता नहीं इस तरह के 13 चीज़ा या इस तरह का नाम लिया जाता है वो अंदर खुसूसन महफलों का इनकाद किया जाता है और खवातीन बकायदा तौर पर ये कोई ना कोई चीज़ वंडनियाँ वजह की है कि सफर का महीना आ गया है जड़िया बीमारियां नहूसत इस महीने के अंदर उतर दियां ने सानू कि पहुँच ना जान इसलिए असी सदका खैरात कर जिस बंदे ने सदका खैरात इस नज़रिए ना किया गोया उन्हें अल्लाह पाक की जात के नाल शिरक कर लिया अपने अकीदे का उस बंदे ने बेड़ा गर्क कर लिया। आइए हजरात माहे सफर की बिदात के अंदरों एक बिदत यह भी है कहते बहुत ज्यादा बीमारियां इस महीने के अंदर नाजल होंदिया ने और बाद लोग यह भी गुमान करते हैं यह महीना बरकतों तो भी खाली है तो रहमतों तो भी खाली है हालांकि अल्लाह की रहमत तो हमा वक्त बंदे से उतरती है अल्लाह तो हर रोज तहज्जुद की नमाज तो बाद और फजर की नमाज तो कबल तहज्जुद के वक्त पहले आसमान से आके ऐलान की करते हैं की ऐलान करते हैं है कोई बीमार मेरे को शिफा मंगने वाला मैं शिफावा दवा अल्लाह की रहमत हर रोज़ उतरती है कि नहीं इस दलील का वैसे ही इरादा हो जाता अल्लाह हर रोज़ पहले आसमान से आते हैं अल्लाह पाक का नजूल होंदा है पर अल्लाह इस तरह हदीस के अंदर आंदा अपने हाथ फैलाते हैं रहमत वाले है कोई रहमत बरकत लेने वाला मैनू अपनी रहमत बरकत अता करा तो मेरे भाई इस महीने के अंदर खुशी तौर पर यह भी कहा जाता है कि मगरब ते इशा के दरमियान है ना कोई एक खानकाह बने हुए ने या हुजरियां के अंदर मसाजिद के अंदर लोग आते हैं तो लोगों ना तुम अक्सर देखा होना तवीत लिखा होंगे लिखिया कुरान दी आयत ही होंदिया ने उत्ते की आयत लिखी होंगी है कितने लिखा होंगे सलाम उन कौलम मिन रब्बी रहीम कितने लिखा होंगे सलाम उन आला नूह इन फिल आलमीन और कितने लिखा होंगे सलाम उन आला इब्राहिम कितने लिखा होंगे सलाम उन आला मूसा व हारून कितने लिखा होंगे सलाम उन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदुन और कितने लिखा होंगे सलाम उन हिया हत्ता मतलाइल फजर ये कुरान दी मेरे भाई ये तो कोई शक नहीं कुरान दी एक एक आयत शिफा है लेकिन अगर कोई बंदा स्पेशली तौर पर सफर के महीने के अंदर ये आयात का तवीज बना के अपने कारोबार या अपने मरकज या अपने घर के अंदर लटकाता है गोया उन्हें तस्लीम कर लिया कि सफर का महीना नहूसत वाला महीना जबकि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया वाला तैयारा वाला सफर आ लोग बाद आ जाओ सफर के अंदर अल्लाह पाक ने कोई मनहूसत रखी नहीं अपनिया खुशियां यार अगर सफर के अंदर मनहूसत होंगी मैंने एक गल का जवाब दियो रसूलुल्लाह सल्लम ने अपनी प्यारी सब तो पहली बीवी सईदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा दे नाल निकाह सफर के महीने के अंदर किया तो अल्लाह ने बरकत कितनी रखी अल्लाह ने इस्लाम में भी माल के नाल बरकत दी और पैगंबर ने सलातो सलाम रोया करते सईदा आशा फरमांदियां नबी सलातो सलाम रोया करते फरमाया जिन्ना सुख मैनू खदीजा तो मिलया है या जिन्ना इस्लाम की इज्जत खदीजा की वजह ना बुलंद हुई है फरमाया उन्ना दूसरिया बीवियां ना बुलंद नहीं हुई सईदा आशा फरमांदियां असी रश्क करदियां फखर करदियां सईदा खदीजा की जिंदगी दे कि अल्लाह के महबूब पैगंबर रोया करते फरमाया मेरी इन्नी प्यारी बीवी सईदा खदीजा अल्लाह पाक ने नहीं अगर सफर के महीने के अंदर नहूसत होंगी तो इस्लाम में इज्जत तो नबी सलाम निकाह सईदा खदीजा ना सफर के महीने के अंदर ही कर दे जाओ तारीख उठा के देखो दूर ना जाओ माजी करीब के अंदर 23 मार्च जो करारदाद मुकासद पाकिस्तान पास हुई सफर के महीने के अंदर पास हुई तारीख इस गल की गवाह है पाकिस्तान माजे वजूद के अंदर आया है तो वो बुनियाद जी सफर के महीने के अंदर रखी गई है करारदाद मुकासद और इस तरह रसूलुल्लाह सल्लम ने लश्करे उसामा की रवानगी सफर के महीने के अंदर की तो लिहाजा मेरे प्यारे भाइयों सफर के महीने के अंदर अल्लाह पाक ने कोई नहूसत नहीं रखी किसी बीवी के अंदर किसी इंसान के अंदर किसी मुलाजम के अंदर किसी घर के अंदर किसी दुकान की तब्दीली की वजह के नाल कोई नहूसत नहीं आती अगर आती है तो
बंदे दे अपने अमाल की वजह ना अगर कोई कमी कुताई अल्लाह सुबहाना उताला सानू सारियां नू सही माने दे नाल अपना अकीदा इस्लामी बनाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह रब।